यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। और हाँ यार, यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप उसे कर सकते हैं। मैं हूँ अभिजीत तिवारी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ब्लैंक लेटर्स आर सेंड टू पीपल हुम वी डोंट नो ऑन ए पर्सनल लेवल। यानी कि सिंपली पूछ रहा है कि जिन लोगों को हम पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हैं, यानी कि पर्सनली नहीं जानते हैं, उन्हें हम कौन सा लेटर भेजते हैं। ऑप्शंस गिवन हैं चेन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रेफरेंस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फॉर्मल। तो देखो, पर्सनल लेवल पे नहीं जानने का मीनिंग होता है कि आप उसके साथ फेमिलियर नहीं हो। और एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आप लोगों को नहीं जानते और आप भी उन्हें पर्सनली नहीं जानते हो। और आप लोगों को भी ये बात मालूम होगा कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेटर। यानी कि जो ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लेटर में नहीं आता है। ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी फोटो, ऑप्शन सी ग्रीटिंग, ऑप्शन डी सिग्नेचर। तो भाई साहब जी, इतना चूरन सा सवाल है ये, मतलब यार क्या ही कहें इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों को भी ये बात तो पता ही होगी कि जो फोटो है वो कभी भी लेटर का पार्ट नहीं हो सकती। लेटर में 7 पार्ट्स होते हैं, जो कि हैं राइटर्स एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, कोर्टियस लीव टेकिंग, सिग्नेचर एंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द एनवेलप। उसके बाद वाला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ऑप्शंस गिवन है ट्रू, नॉट श्योर, फॉल्स, मे और मे नॉट बी ट्रू। यानी कि यहाँ पर सिंपली ट्रू और फॉल्स पूछा गया है कि जो राइटर का एड्रेस होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हमें मालूम है कि जो राइटर का एड्रेस होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी ट्रू फॉल्स जैसा ही है, द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। यानी कि जो सैल्यूटेशन होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे होता है फर्स्ट पेज के। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सैल्यूटेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जस्ट बिलो द डेट। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। यानी कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो जिसे भी भेजा जाता है उसका एड्रेस क्या होता है। यानी कि हम रिसीवर के एड्रेस की जगह पे क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसर इज रिटन ऑन द। ऑप्शंस गिवन है लेफ्ट मार्जिन, एट द सेंटर, राइट मार्जिन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लेफ्ट मार्जिन, क्योंकि जो एड्रेसर का नेम एंड डेजिग्नेशन होता है वो हम लोग लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपोज वी डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम, हाउ वी कैन क्लोज एंड एंड द लेटर। सो यदि हमें रेसिपिएंट का नेम नहीं मालूम है तो हम लोग लेटर के एंड में क्या लिखेंगे। ऑप्शंस के माने योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, अफेक्शनेटली योर्स एंड नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर योर्स सिंसियरली हम टीचर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं एंड अफेक्शनेटली योर्स हम फेमिलियर वन में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन ए फॉर्मल लेटर। यानी कि फॉर्मल लेटर के टॉप में जो डेट एंड एड्रेस लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस गिवन है स्टार्टिंग, क्लोजिंग, बॉडी या हेडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडिंग। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग ऑप्शन है वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी डेट के साथ नहीं होती है। क्लोजिंग में हम योर्स फेथफुली या और कुछ लिखते हैं एंड जो थर्ड ऑप्शन है बॉडी वो हमारा कंटेंट होता है। तो सीधे सीधे हमें आंसर पता चल रहा है हेडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ विल यू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। यानी कि जो फॉर्मल लेटर की मेन बॉडी होती है, मेन कंटेंट होता है, उसे हम कैसे एंड करते हैं। ऑप्शंस गिवन है बाय शोइंग योर लव फॉर द रेसिपिएंट। ऑप्शन बी है बाय डिस्कसिंग द वेदर इन योर सिटी। ऑप्शन सी है बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रेसिपिएंट्स सिटी एंड ऑप्शन डी है बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। ऑप्शन ए का मतलब ये है कि रेसिपिएंट यानी कि जो प्राप्त करेगा हमारा जो लेटर है वो जिसको मिलेगा उसके प्रति हमें लव दिखाना है। ऑप्शन बी है हमारी सिटी का वेदर डिस्कस करना है। ऑप्शन सी है रेसिपिएंट की सिटी का वेदर डिस्कस करना है एंड ऑप्शन डी में हमें उसे बताना है कि उसे आगे क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, यानी कि एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो लास्ट में हम उसे यही बोलते हैं ना
ये लोगों को अवेयर करने के लिए आप प्रिंट कीजिए। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में हमें क्या बोलना चाहिए। ऑप्शन ए है रेसिपिएंट की सिटी का वेदर पूछना चाहिए। ऑप्शन बी है हमें रेसिपिएंट को बताना चाहिए कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। ऑप्शन सी है हमें रेसिपिएंट का हालचाल लेना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी में हमें हमारी सिटी का वेदर उसे बताना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हमें उसे बताना चाहिए कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। सो गाइस यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।